प्रियंका गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ में कहा कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए हाँ करती हैं, तो उन्हें हमारा पूर्ण सहयोग मिलेगा। राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। अमरिंदर के अनुसार प्रियंका गांधी इस पद के लिए बेहतर हैं। वे पार्टी की पसंद हैं। सब कुछ कांग्रेस कार्य समिति पर निर्भर करता है। समिति ही इस पर फैसला लेगी। उन्होंने कहा, भारत युवाओं का देश है। किसी युवा नेता को ही पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इससे पहले रविवार को शशि थरूर ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी या नहीं, इसका फैसला गांधी परिवार करेगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद 25 मई को राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। नेतृत्व की कमी होने से पार्टी को नुकसान। थरूर ने कहा था कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नेतृत्व की कमी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। आगे का रास्ता अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही खुलेगा। इस मोड़ पर एक युवा नेता ही कांग्रेस के नेतृत्व के लिए उपयुक्त होगा। हालांकि CWC मौजूदा स्थिति को लेकर बहुत गंभीर है, बिना किसी देरी के समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। थरूर ने मौजूदा स्थिति को लेकर निराशा जताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा, वर्तमान में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उस बारे में हम कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते। CWC के लिए एक तरीका यह हो सकता है कि पहले वे पार्टी के लिए एक अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष का नाम रखें, फिर बाद में इसे भंग कर मुख्य अध्यक्ष के पद के लिए नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं।